आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, इस इच्छा के साथ पीयूष क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स मैनेजमेंट इन कपिंग थेरेपी। हम सब जानते हैं कि फीमेल में हर महीने पीरियड्स आते हैं, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और कपिंग थेरेपी में इसके क्या क्या इलाज हैं, इस बारे में आज का वीडियो है। सबसे पहले देखेंगे कि ये पीरियड्स क्या है और ये क्यों आते हैं। इन पीरियड्स को इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। सबसे पहली बात, जब भी किसी फीमेल को पीरियड्स की शुरुआत होती है तो ये एक इशारा होता है उसके बॉडी का कि उसका शरीर एक नए जीव को जन्म देने के लिए तैयार हो चुका है। आमतौर पर जो पीरियड्स का एज होता है वो 12 से लेकर 45 साल तक होता है, यानी कि 12 से पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और 45 साल तक उनका ड्यूरेशन रहता है। 45 साल के बाद मोनोपॉज होता है जिसमें कि पीरियड्स आना बंद हो जाता है। जब भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है तब वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल इंसिडेंट होता है। उस वक्त बहुत सारे हॉर्मोन्स के बदलाव होते रहते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ चलती रहती है, साथ ही साइकोलॉजिकल भी प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो पीरियड होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस पीरियड के दरमियान जो फीमेल का शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा थकान का अनुभव करता है और बहुत ज़्यादा दर्द उनको सहना पड़ता है। पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है, जो खून बहता है, वो लगभग 2 से 7 दिनों तक बहता है। अगर 7 दिनों से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे एबनॉर्मल माना जाएगा, और 2 दिन के पहले भी अगर ब्लीडिंग रुकती है तो उसे भी कुछ केसेस में एबनॉर्मल माना जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंप्लीट होता है वो 21 से लेकर 35 दिनों तक होता है। क्योंकि सबके शरीर अलग अलग होते हैं इसलिए कम से कम 21 दिन का साइकिल होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिनों तक जा सकता है। हर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग होता है। इस पूरे पीरियड के दरमियान फीमेल के बॉडी से लगभग 30 से 50 ml तक खून निकलता है, यानी कि हमारी भाषा में अगर हम कहें तो जो छोटा चम्मच होता है वो 10 छोटे चम्मच खून बॉडी से बाहर निकलता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह से अरेंजमेंट होती है। इन 2 हिस्सों को कहा जाता है ओवरी। ओवरी से एक सेल निकलती है जो यहाँ से सफ़र करते हुए, ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आती है। जब वो यहाँ पे पहुँच जाती है, उस दरमियान अगर इस सेल के अंदर मेल स्पर्म दाखिल हो जाता है तो उसे हम प्रेगनेंसी की शुरुआत मानते हैं, और इसी की तैयारी में ये बाकी पूरा यूटेरस, जिसे कि बच्चेदानी या गर्भाशय कहा जाता है, वो लग जाता है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम आगे की फिगर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ है, यानी कि ओवरी में से कोई एक एग निकला है, अंडा जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं, वो यहाँ से सफ़र करते हुए यहाँ तक आता है। जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो इस जगह पर, जो कि बच्चे के बढ़ने की जगह है, यहाँ पर एक लाइनिंग आ जाती है जो उस बच्चे को संभालने के लिए शरीर के द्वारा की गई तैयारी होती है। लेकिन जब सेल यहाँ आने के बाद भी उसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता या कोई भी मेल स्पर्म उसके अंदर दाखिल नहीं होता, तो वो सेल कुछ दिन वेट करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो ये जो लाइनिंग हमने देखी, ये लाइनिंग भी टुकड़ों टुकड़ों में टूट कर यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स आना कहते हैं। जब ये टुकड़े बनकर निकलता है, उसके साथ साथ खून भी निकलता है, उसके साथ साथ वो जो एग निकला था, जो अंडा निकला था, वो भी निकल के बह जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस के दरमियान ये जो यूटेरस है, जो बच्चेदानी है, ये अपने आप में सिकुड़ती रहती है और फैलती रहती है, ताकि अंदर का पूरा अननेसेसरी जो भी पार्ट है वो बाहर निकल सके। इसीलिए फीमेल में बहुत ज़्यादा दर्द और परेशानी होती है, और अक्सर देखने मिलता है कि कमर में दर्द, पेट में दर्द और डाइजेशन का भी प्रॉब्लम इसमें होता है। इसकी वजह है कि शरीर पूरी तरह से फोर्स करता है कि जो कुछ भी अंदर है वो सारा का सारा बाहर निकल जा सके। और अगली इमेज में आप देख सकते हैं कि ये पूरा अंदर से साफ हो चुका है और फिर से एक एग सेल निकल रही है,
और फिर से ये साइकिल रिपीट होता है और फिर से यहाँ पे लाइनिंग बन जाती है और ये पहले स्टेज पे आकर फिर से दूसरे स्टेज पे पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। इस इमेज में बताया गया है, इस फिगर में बताया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान हमारे हॉर्मोन्स का क्या हाल होता है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं और यहाँ पर एग जो है, जो अंडा है, उसकी ग्रोथ भी यहाँ पे बताई गई। अब हम देखते हैं कि पीरियड्स के दरमियान कौन कौन से प्रॉब्लम्स किसी फीमेल को हो सकते हैं। सबसे पहला, इररेगुलर पीरियड्स आना। जैसे कि मैंने बताया कि 21 से 35 दिन के बीच में पीरियड आते हैं। किसी किसी को 2 महीने 3 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हैं या फिर हर 15-20 दिन में पीरियड आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। दूसरा, पीरियड्स के दरमियान बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होना। ये इस चीज़ की निशानी है कि फीमेल की बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है अंदर से चीज़ों को बाहर फोर्स करने की। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है और बहुत सारी फीमेल्स में हमें देखने मिलता है। तीसरा, कुछ फीमेल्स में पीरियड्स आते ही नहीं हैं। ये फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है और कभी कभी प्रेगनेंसी के वजह से हो सकता है। यहाँ पर हम प्रेगनेंसी को ध्यान में नहीं रखेंगे क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ पीरियड्स के बारे में बात की गई है। चौथा, पीरियड्स के दरमियान बहुत ज़्यादा खून जाना, जिससे कि कमज़ोरी या दूसरी परेशानियाँ फीमेल्स में आ जाती हैं। पाँचवा, पीरियड्स बहुत ज़्यादा दिनों तक चलना। आमतौर पर 7 दिनों में पीरियड्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, 1 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर किसी फीमेल को 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक पीरियड है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रही है। अब हम देखते हैं कि कपिंग थेरेपी क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला, कपिंग थेरेपी में आपको कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी होती और कम्प्लीटली एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होती है। दूसरा, कपिंग थेरेपी आपके पीरियड्स के और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ठीक करने की ताकत रखती है। तीसरा, जब भी पीरियड्स का कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमने देखा है कि हिजामा करने के बाद, कपिंग करने के बाद तुरंत ही उसको रिलीफ मिलता है, क्योंकि ब्लीडिंग भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ब्लड से रिलेटेड है और जब हम कपिंग करते हैं तो ब्लड के ऊपर ही डायरेक्टली एक्शन होता है। चौथा, हमने देखा है कि जब भी ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं तो उन पेशेंट्स में रिमार्केबल चेंज हुआ है। पहले से तीसरे सेशन तक ही बहुत बड़े लेवल पे पेशेंट की परेशानी दूर हो गई। अब देखते हैं कि कपिंग की प्रोसीजर क्या रहेगी। सबसे पहला, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो क्या किसी पैथोजेनिक प्रेजेंस की वजह से है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसके वजह से पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मतलब गर्भाशय की ठीक तरह से डेवलपमेंट ना होना या फिर शरीर के किसी अवयव में कमज़ोरी होना या किसी अवयव का ठीक से काम ना कर। तीसरा, जब हम ये दोनों चीज़ें चेक कर लेते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट शुरू होती है और फीमेल पेशेंट के ऊपर कपिंग की जाती है सामने से और पीछे से। ये लंबर रीजन में की जाती है, यानी कि कमर के हिस्से में कपिंग की जाती है। चौथा, जब भी ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें एक टाइम पीरियड देते हैं कि इतने सेशंस आपको करने होंगे ताकि आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो सके। ऐसे में पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपना सेशन कम्प्लीट करें और उसके बाद अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे पूरे तरह से ठीक कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसका इंतज़ार रहेगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।